अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाज़रीन, एक अहम डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है और वो है कि गैर मुल्की अफ़गानी, बर्मी और दीगर जो गैर मुल्की इस वक्त मुल्क में मुकीम थे उनके हवाले से डेडलाइन दी गई थी जो कि ख़त्म हुई है। उसके बाद इजलास हुआ है बिलखसूस कराची शहर के अंदर और उस हवाले से जो है अब बाकायदा तौर पर गिरफ्तारियाँ होंगी। जो एक सॉफ्ट टारगेट दिया गया था उसका वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। बताया गया है कि जी मुश्तरका तौर पर FIA, नादरा स्पेशल ब्रांच और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका तौर पर अब टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे और पहली फेज़ में यानी कि 4 तारीख से पहले पहले बसेस के ज़रिए जो जो निशानदेही होगी उनको चमन बॉर्डर के ज़रिए पहुँचाना है, उसके बाद ट्रेन के ज़रिए बाकायदा पहुँचाया जाएगा। अब ओवरऑल क्या सिचुएशन है, कितने अब तक जो है वो हिरासत में लिए गए हैं, कहाँ पर उनको रखा जाएगा, उसके बाद क्या प्रोसेस से गुजार के उनको अपने वतन वापस जो है वो भेजा जाएगा, इसके ऊपर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे K21 न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर, थोड़ा सा ओवरव्यू हो, अब डेडलाइन ख़त्म हो गई है, अब ये सिलसिला कैसे किया जाएगा, किस तरह टारगेटेड ऑपरेशन होगा और किस तरह गिरफ्तारियाँ और दीगर सिलसिला जो है वो आगे होगा? शुक्रिया अली रजा साहब। तकरीबन कुछ देर रह गई है डेडलाइन खत्म होने में। 12 बजे के बाद मुल्क भर में जो क्रैकडाउन शुरू होना है गैर कानूनी तारीख वतन के खिलाफ वो शुरू हो जाएगा। जो हिकमत अमली बनाई गई है, जो सिंध हुकूमत के जो निगरा वजीर हैं दाखिला हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरिफ सवास, वो खसूसी तौर पर बताते हैं कि रेंजर्स पुलिस वफाकी तहकीकती इदारा यानी कि FIA स्पेशल ब्रांच ये जो है वो हसास वो मकामात जहाँ पर इनके डंपिंग पॉइंट्स हैं अफगानियों, बर्मी और बंगालियों समेत दीगर जो गैर कानूनी तरीके से मुकीम कराची और दीगर सिंध के अजला में लोग हैं उनको निकालने के लिए काम करेगा। इनको एक बड़ी मुश्किल ये थी कि नादरा का सिस्टम स्लो हो जाया करता था जिसके बाइस फौरी तौर पर शनाख्त अमल नहीं हो पाया करता था। तो फैसला किया गया है कि जो टारगेटेड ऑपरेशन होगा इसमें नादरा की टीमें भी हमारा मौजूद रहेंगी और ये फौरी तौर पर जो है वो शनाख्त अमल मुकम्मल करेंगी। अलबत्ता जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम होगा उसका फैसला वहीं कर लिया जाएगा और उसे मुख्तसरन कानूनी कार्रवाई के बाद जो है वो मुतालका मुल्क रवाना कर दिया जाएगा। इसके लिए भी बड़ी प्रतियां बनाई गई हैं। इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ डंपिंग पॉइंट बनाए गए हैं, इन्हें रखने के लिए जगहें बनाई गई हैं। हाजी कैंप हुआ करता था सुल्तानाबाद में कराची के, ये सबसे बड़ा कराची का मरकज बनाया गया है जहां पुलिस और रेंजर्स की निगरानी में जो कल से जो गैर कानूनी मुकीम तारीख वतन होंगे इन्हें रखने के लिए इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मुख्तसर तौर पर इन्हें बसों के जरिए कैंट स्टेशन पहुंचाया जाएगा जहां ट्रेन से इन्हें चमन बॉर्डर तक पहुंचाने के इंतजाम तो सूबाई हुकूमत देख रही है। इसके लिए तवील फंड है, बड़ा मोटा फंड है जो कि मुख्तस कर लिया गया है, वो बराह रास्त जो है निगरा वजीर दाखिला हारिश नवाज की जेर निगरानी इस्तेमाल होगा। खसूसा जो तारीख वतन है इनमें अफगानियों को खास तौर पर क्योंकि मईशत को तबाह करने, उसे नुकसान पहुंचाने, अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करने और उसे बुरी तरह तो नुकसान पहुंचाने में ये जो अफगानी बाशिंदे थे जो गैर कानूनी मुकीम थे ये ज़्यादा मुलव्वस थे। इसलिए ज़्यादा फोकस गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों पर है कि किसी तरह इन्हें निकाला जा सके जिसके बाइस शहर में होने वाले बम धमाकों, टारगेट किलिंग, बड़ी डकैतियों, अगवा बराए तावान और मंशियात की समेत स्मगलिंग की जो लाइन है ये ब्रस्ट हो सके। अफगानियों पर फोकस है कानून नाफिज करने वाले इदारों का जो अब तक जा चुके हैं, तकरीबन उनकी तादाद 18,000 से ज़ायद है, जो मौजूद हैं वो लाखों में है। इनके इखला के लिए मुकम्मल इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, पुलिस मुतहरिक है, रेंजर मुतहरिक है, साथ साथ जो लिस्टें बनाई गई हैं उस पर अमल दरामद कल सुबह से शुरू हो जाएगा। वजीर दाखिला सिंध है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, वो बराह रास्त इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करेंगे। कौंसल खाने से बाकायदा रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जाएगा। ताहिर, इसके ऊपर भी जरा नाज़रीन को आगाह कीजिएगा क्योंकि देखें इतलात ये थी और बताया जाता था कि जी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ बिजनेसेस में जो हैं वो कारोबारी शराकतदारी करके यहाँ पर कारोबार किए जा रहे थे और बड़े पैमाने पर ज़मीनें ली गई थीं और उसके अंदर भी एक रोल था, तो ये पैसा ये ज़मीनें अब वो क्या होगा उस चीज़ों का? अली साहब, इसके लिए मुख्तलिफ जो है वो फेज बनाए गए हैं। पहले फेज में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो गैर कानूनी तरीके से कराची में मुकीम अफगानी हैं, बर्मी हैं, बंगाली हैं, साथ दीगर और ममालिकों के मुतालका ममालिकों के रहने वाले हैं उन्हें निकालने के इंतजाम किए गए हैं। दूसरे मरहले में ये जो फॉरगेन जिनके पास कार्ड मौजूद है उन्हें निकालने की तैयारी की जाएगी। तीसरे मरहले में जो शनाख्ती कार्ड हासिल करने वाले लोग हैं उनका इनखला किया जाएगा। बाकायदा तौर पर जो अफगान कौंसिल खाना है उसमें रजिस्ट्रेशन के तहत काम जारी है और इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बाकायदा दोनों ममालिक के दरमियान रबते बहाल हुए हैं और इनकी इजाजत के जरिए चमन बॉर्डर और दीगर दाखिली और खारजी रास्ते इस्तेमाल किए जाएंगे। इनके इनखला के लिए फॉरन एक्ट की दफात
तमाम पर लागू होगी। जो पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ फॉरेन एक्ट का मुकदमा जरूर दर्ज होगा और इस मुकदमे के तहत वो आइंदा पाकिस्तान आने के लिए जो है वो उस पर पाबंदी आयद होगी, ये इंतजाम है। दूसरा सवाल जो आपने किया, जो बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, जायदादों की खरीदारी है, ये वो लोग हैं जो कराची में मुश्तरका तौर पर ताजिरों, सनअतकारों, स्मगलरों के साथ मिलकर यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते थे। इसके लिए ये होगा कि पहले मरहले में इनके जो शनाख्ती कार्ड्स होंगे वो ब्लॉक होंगे और उसके साथ ही जो है वो इनकी जो सरमायाकारी होगी उसका तखमीना लगाया जाएगा और हुकूमती सतह पर जो है वो इनका पैसा इनके मुल्क ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए इकदाम अभी करने हैं हुकूमत ने, इसका फैसला जरूर हो गया है। ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, इसके लिए एक बड़ा फंड हुकूमत को दरकार होगा क्योंकि ये एक मामूली रकम नहीं होगी। सिर्फ कराची की अगर हम बात करें तो अरबों रुपए की सरमायाकारी अफगान लोग हैं, उन्होंने यहाँ की हुई है, बड़ी बड़ी मार्केटों में इनकी सरमायाकारी है, करोड़ों रुपए मार्जिन के घर, दुकानें, गोडाउन इन्होंने खरीदे हुए हैं। स्क्रैप की मार्केट में इनका बड़ा नाम है, कपड़े की मार्केट में इनका बड़ा नाम है, ड्राई फ्रूट्स, मसाला जात और गाड़ियों समेत जो पुर्जा जात हैं गाड़ियों के वो हैं, मोबाइल फोन की स्मगलिंग में इनका बड़ा नाम है, ईरानी डीजल तेल और दीगर कई ऐसे कारोबार हैं जिनमें इनकी बड़ी बड़ी सरमायाकारी है। कराची में छालिया अफगान स्मगलरों के बगैर आ नहीं सकती है। ये बहुत सारे मामला हैं जिसे खत्म भी करना है और इनका इनखला भी करना है और इनकी सरमायाकारी ईमानदारी के साथ इनके ममालिक से मुंतकिल भी करनी है। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। इब्तदाई तौर पर जो सूरत हाल है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो गैर कानूनी तारीख वतन है उनका इनखला मुकम्मल किया जाएगा। क्योंकि ताहिर देखिए ना, बात यह है कि मखसूस रकम ले जाने की इजाजत जो है वो बताई गई है कि मखसूस रकम जो है ले जा सकते हैं। अब ये जो पैसा है वो मुंतकिल भी करना है, तो इसका कोई तरीक़ेकार वाजी किया गया है कि किस तरह ये पैसा उधर जाएगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा बताया जा रहा है इतलात जो हमारे पास है कि बहुत बड़ी सरमायाकारी है। अली साहब बिल्कुल, इसके लिए हुकूमती सतह पर इकदाम किए गए हैं। पहले मरहले में क्योंकि जो गैर कानूनी तरीके से तारीख वतन यहाँ मौजूद है उनकी कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कुछ कचरे के कारोबार से वाबस्ता हैं, कुछ कबाड़ के कारोबार से वाबस्ता हैं, कुछ ने होटल खोले हुए हैं, चाय के होटल हैं, खाने पीने के होटल हैं, नान के तंदूर हैं, कुछ की छोटी मोटी दुकानें हैं। इनको निकालना और इनका इनखला हुकूमत के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। अलबत् जो दूसरा मरहला होगा, जो कार याफ्ता अफगानी जो कराची में मुकीम है उनको निकालते वक्त हुकूमत को मुश्किल होगी, उसके लिए एक बहुत बड़ा फंड दरकार होगा। उसके लिए इकदाम और फैसला जरूर कर लिया गया है। तहम ये जब वक्त शुरू होगा, दूसरा मरहला शुरू होगा, तो उसके साथ साथ रकम की मुंतकली के जो सिलसिला होगा वो भी शुरू होगा। इन्हें रखने के लिए जो है वो फॉरन एक्ट की दफात के साथ साथ हुकूमत ने तीन ऐसे मकाम हैं कराची में जहाँ इन्हें जो है वो रखा जाएगा और 3 से 4 रोज में इन्हें इनके मुल्क रवाना कर दिया जाएगा। कुछ देर रह चुकी है डेडलाइन खत्म होने में। कल सुबह से ग्रैंड ऑपरेशन है जो कि तमाम लॉ एंड ऑर्डर की जो हमारी एजेंसीज हैं वो मुश्तरका तौर पर करेगी और जो एक सबसे बड़ा हेड आता था नादरा की अदम मौजूदगी वो मसला भी हुकूमत ने हल कर दिया है। अच्छा, ये थोड़ा सा ताहिर अब्बासी इसके हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि देखिए एक मामला जो है वो सामने आ रहा है कि जराइम, जिस तरह बता रहे हैं कि जराइम में मुलव्वस अफराद हैं, तो उनकी जो गिरफ्तारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस वक्त मतलब उनके साथ जो है वो केस जो है वो चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के इस तरह के जो मामलात हैं उनका क्या किया जाएगा, उनके साथ क्या सिलसिला किया जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका इधर भी पाया जाता है। देखिए जो कत्ल की वारदातों में ट्रायल हैं वो अपना ट्रायल पूरा करेंगे, जो स्ट्रीट क्राइम, लूटमार, डकैती, चोरी, स्मगलिंग, मंशियात फरोशी, पानी की चोरी साथ साथ और दीगर जो वारदातें होती हैं जो उसमें गिरफ्तार अफगानी बाशिंदे हैं वो अपना कानूनी ट्रायल मुकम्मल कर रहे हैं, वो हमारी जेलों में मुकीम हैं, वो उनको उन्हें इससे अलग रखा गया है, वो इस आजाद व शुमार में शामिल ही नहीं होते हैं, उन्हें एक मुजरिम की हैसियत से हुकूमत देख रही है और जब तक वो अपना कानूनी ट्रायल मुकम्मल नहीं करते, अपनी सजाएं मुकम्मल नहीं करते, उनसे मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ है। अच्छा, एक सवाल ताहिर अब्बासी, ये भी देखे, ये भी एक बयान आया निगर वजीर आजम की जानब से भी कि जी जो रजिस्टर्ड है ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो अफगानी भी हैं चाहे वो भी हैं, तो इसको भी जरा क्लियर करते हैं ताकि नाज़रीन तक ये बात भी पहुंच जाए कि जो गैर कानूनी मुकीम है सिर्फ उन्हीं के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, ये जो तीन मरहले बनाए गए हैं ये पहले मरहला सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानियों, बर्मियों, बंगालियों और दीगर जो तारीख वतन हैं उनके खिलाफ है, और जो दूसरा मरहला शुरू होगा उसमें वो लोग हैं जो किसी न किसी तरह पाकिस्तान आए थे और इजाजतनामे के साथ आए थे, बाद में पाकिस्तान ने उन्हें रिहाइश के लिए इजाजत दी और वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। दूसरा मरहला ये होगा कि उनका इनखला तमाम दस्तावेजात मंसूख करने के बाद मुकम्मल किया जाएगा। तीसरा वो होगा जो कौमी शनाख्ती कार्ड और कौमी शनाख्त रखते हैं, तीसरा मरहला वो होगा। तो दूसरे मरहले में जो ये जो फॉरेन कार्ड जिनके पास हैं उन्हें निकालने के लिए हुकूमत इकदाम करेगी, तमाम अभी उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। पहला मरहला सिर्फ यही है कि जो
गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि नुकसान वही पहुंचा रहे हैं जो कि हमारे पास जिनकी शनाख्त नहीं है, जिनकी शनाख्त नहीं है उसे रहने का कोई हक नहीं होगा। हुकूमत इसका बहुत वाज़ेह तरीके से फैसला कर चुकी है। अच्छा, बताया जा रहा है 700 के करीब यौमिया जो है इन लोगों को जो है वो भेजा जाएगा, और कितने इदारे हैं जो मुश्तरका तौर पर, थोड़ा सा इसको दोबारा रिपीट कर ले क्योंकि नाजरीन तक ये बात भी पहुँच जाए कि कौन कौन से इदारे जो हैं इसके अंदर टारगेटेड ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जो अब तक हो रहा है, स्पेशल ब्रांच खुफिया जराये से जो है वो ये फहरिस्त मुरतब कर रहा है कि कहाँ कहाँ इनके डंपिंग पॉइंट्स हैं, कहाँ इनके डेरे बने हुए हैं, ये रह रहे हैं बड़ी तादाद में, रिपोर्ट हो गए हैं, वो फहरिस्त मुरतब हो चुकी हैं। खासतौर पर स्पेशल ब्रांच होगा, रेंजर्स के पास एक बड़ी कुव्वत है कि वो उसका खौफ है शहर में, उसका एक दबदबा है, रेंजर्स को साथ रखा जाएगा, पुलिस इलाकाई सतह पर खास इंटेलिजेंस नेटवर्क रखती है उसका इस्तेमाल होगा, वफाकी तहकीकाती इदारा FIA भी इसमें शामिल होगा ताकि फौरी तौर पर सारे मामला फौरी हल किए जा सके। आपको ये लग रहा है कि जो बड़ी तादाद में जो ये गैर कानूनी मुकीम अफगानी है वो अब तक अपने स्पॉट्स पे मौजूद होंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुंतकिल, कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे छुप नहीं गए होंगे, उसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है, कुछ है जो शेयर कर सकें? जी अजी सर, देखें ये जब ऑपरेशन शुरू होगा तो फिर वो कहीं भी कोई भी छुपा हुआ हो, ऐसी इतलात जरूर थी कि एक मेजॉरिटी है जो खैबर पख्तूनख्वा के और हमारे जो दीगर नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पर रुपोच हो गए हैं, वो भले वहाँ रुपोच हो जाए, हुकूमत इसके लिए इकदाम रखती है कि जहाँ जहाँ अफगानी मिलेगा इसके लिए नादरा को मुतारिक किया गया है, नादरा खास तौर पर इसमें अपना अमल दखल देगा और फौरी तौर पर जैसे कि शनाख्त होगी उसकी वहीं पर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में मुकीम होने की तस्दीक होगी, उसे जो ये होल्डिंग हाउस बनाए गए हैं वहां रख दिया जाएगा। जो जो आपने बात की कि 700 के करीब यौमिया सतह पर जो है वो रवाना किए जाएंगे, ऐसा ही है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे उन्हें 24 घंटे के दौरान जो है वो कानूनी ट्रायल उनका मुकम्मल करने और 3 रोज में उनकी इनखला की जो है वो इकमत अमली बनाई गई है और इस पर अमल दरामद के लिए तमाम इदारे मुतहर हैं। क्योंकि ताहिर देखे ना, सिर्फ मर्द नहीं, खवातीन भी होंगी, बच्चे भी होंगे, घर के घर हैं, घराने हैं बहुत बड़ी तादाद में, तो अब तक जितनी तादाद में लोगों की हिरासत की गई है या उनको एक जगह रखा गया है, आप समझते हैं कि उसकी जो फीसद की अगर हम बात करें कितने परसेंटेज, तो कितने परसेंटेज अब तक कामयाबी आ सकी है, क्योंकि अभी ऑपरेशन तो नहीं, अभी तो सिर्फ बोला गया था कि जी अभी जो भी अपने आप को रजाकाराना तौर पे दे सकता है और आ सकता है तो उसके साथ कोई मामला नहीं होगा, तो कितने फीसद अब तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं? अली साहब, ये यही सूरत हाल है, खवातीन के चादर और चार दीवारी का तकद्दस का अमल ना हो और बच्चों का बेहतर अंदाज में ख्याल रखा जा सके, इसीलिए होल्डिंग हाउस बनाए गए हैं, इन होल्डिंग सेल्टर सेंटर जो होंगे यहाँ पर तमाम इकदाम किए गए हैं, इन्हें खाना दिया जाएगा, पीना दिया जाएगा, क्योंकि मुख्तसर वक्त होगा इनका इनखला करना होगा, तो ये सारी चीजें हैं। अब तक के करीब कुछ 1,25,000 के करीब ऐसे हैं जो मुल्क भर से मुकम्मल तौर पर जा चुके हैं, इनकी तादाद बहुत बड़ी है। जो हुकूमती जराये हैं वो भी बताते हैं कि जो चमन बॉर्डर है और दीगर इनखला के रास्ते हैं वहाँ शदीद रश लगा हुआ है और ये अफगान जो गैर कानूनी मुकीम बाशिंदे हैं ये मुसलसल जा रहे हैं, और इसके लिए हवाले से सौराब रोड और हमारे जो दीगर बस अड्डे हैं जो वहाँ से तलाश थी वो भी यही है कि जो है वो गाड़ियाँ कम पड़ गई हैं और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनका इनखला किसी तरह पूरी की जा सके और इनकी भी मदद की जा सके, क्योंकि हमारा जो सुपर हाईवे साइड सुपर हाईवे गुलशन है हमार है, ये जो हमारे इलाके हैं इस पट्टी के अंदर इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, अब वहाँ सन्नाटे हैं, ये वाजे तौर पर महसूस किया जा सकता है कि इन ये खुद भी रजाकाराना तौर पर किसी परेशानी से बचने के लिए जो है वो अब यहाँ से जा रहे हैं। तो ये जो इनखला का मामला है इसमें हुकूमत और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, साथ वफाकी तहकीकती इदारे हैं, नादरा है, ये बहुत मुतहरिक है और इत्मीनान के साथ इस मरहले को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए इकदाम भी कर रही है। ताहिर अब्बासी, तो बस लास्ट एक दो सवाल और भी ले लें ताकि नाजरीन को मुकम्मल तौर पर इस हवाले से आगाही जो है वो पहुँच सके और क्या होने जा रहा है, क्योंकि एक मामूली मामला नहीं है, इंतहाई अहम और एक बड़ा टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है और ये सिर्फ कराची की हद तक महदूद नहीं है, यकीनी तौर पे पूरे मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ों को जो है वो देखा जाएगा कि गैर कानूनी तौर पे, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा बजट यकीनी तौर पे लगा हुआ होगा और लगेगा, और साथ साथ देखें बहुत सारे ऐसे इलाके कहलाए जाते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि ये कभी नोगो एरियाज थे और आज भी कहीं ना कहीं मुजाहमत का एक खौफ होता है, तो उन एरियाज़ को जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और अगर मुल्की सतह के अगर मामलात हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा कि वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर जो कोऑर्डिनेशंस के मामलात हैं वो आप समझ रहे हैं कि बेहतर हैं और इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में मुमकिन बनाया जा सकेगा, क्योंकि बहुत से इलाके हैं अगर हम पूरे मुल्की सतह पर बात करें।
अजय साहब, सूरत हाल बहुत वाजे थी। एक तो मईशत को बेहतर बनाना था और दूसरा अमन अमान का जो माहौल है ये किसी तरह जो बेहतर हुआ है इसे मजीद बेहतर बनाना था, जिसके लिए अस्करी हुकाम जो है वो कोऑर्डिनेशन में थे, हुकूमती जो अफसरान और गुजरा हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बड़ी थी, मिलिट्री सतह पर जो नई तब्दीली हुई थी उन्होंने आते ही फैसला किया था कि स्मगलिंग का खात्मा करना होगा और जो दहशतगर्दी में मुलविस किरदार हैं और उन्हें फौरी तौर पर जो है वो मुल्क बेदखल करना होगा। उसके लिए बहुत जरूरी था कि जो अफगानिस्तान और उससे जुड़ने वाले रास्ते हैं वो बंद किए जाएं और जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी वापसी हो। तो ये इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए चारों सूबाई हुकूमतों से रास्ते हुए थे और मुल्क भर से ना कि सिर्फ अफगानी बल्कि बंगाली, बर्मी और दीगर जो तारीख वतन हैं इन्हें निकालने के लिए हुकूमत ने इकदाम किए थे, जो अब ग्रैंड ऑपरेशन की जानब मुंतकिल हो चुके हैं और कल से हम देखेंगे कि कराची समेत मुल्क भर में बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होगा। कराची यूं फोकस है कि यहाँ अफगानियों की तादाद बहुत ज्यादा है, कराची इससे मुतासर है, जो स्मगलिंग लाइन है वो कराची से जुड़ती है, जो दहशतगर्दी के बड़े वाकयात थे कराची उससे मुतासिर हुआ था, अमन अमान का बड़ा मसला था, जो अफगान गैर कानूनी तारीख वतन थे ये वारदातें करते थे, डकैतियां मारते थे, अगवा बराए सामान, मंशियात परोशी, पानी की चोरी, ड्राई फ्रूट्स की स्मगलिंग, मसाला जात की स्मगलिंग, गाड़ियों की स्मगलिंग और कई ऐसे दो नंबर धंधे थे जो तमाम जब जोड़े जाते थे तो इसके ताने बाने अफगानिस्तान से जा जुड़ते थे और ये लोग यहाँ बड़े कारनामे अंजाम देने के बाद दोबारा अपने मुल्क फरार हो जाया करते थे। डॉलर की स्मगलिंग थी जिससे मईशत को बड़ा नुकसान हो रहा था। इस तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सूबाई वफाकी हुकूमतों, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, वफाकी एस्टैब्लिशमेंट और सूबाई सतह पर इकदाम किए गए, तमाम एजेंसियों को ऑन बोर्ड लिया गया और फिर ये फैसला किया गया था कि आया किसी भी तरह सर फहरिस्त या अफगान गैर कानूनी मुकीम बाशिंदे हैं इन्हें निकालना होगा, फिर वो बाशिंदे हैं जिन्हें इजाजतनामे दिए गए थे उन्हें निकालना होगा, फिर वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी शनाख्त हासिल कर ली है उन्हें निकालना होगा। ये इंतहाई जरूरी था और अब इस पर हिकमत अमली के तहत ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। बेहतर, ताहिर अब्बासी साहब बहुत ही तफसीली तौर पर बता रहे थे, बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी इस हवाले से मज़ीद तफसीली तौर पर बताने का। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि देखें, एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको मुल्की सतह पर देखा जा रहा है और यकीनी तौर पर जब ये मामलात अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे तो जिस तरह माहिर मईशत और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि देखें एक तरफ आपके वसाइल पर वो लोग हम कहेंगे काबिज ही हैं क्योंकि गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, वो उनका इनखला हो रहा है, दूसरी तरफ जो उसके अंदर क्राइम के एक्सपेक्ट्स थे जो जोड़े जा रहे थे, जो सिर्फ जराइम की हद तक मामलात होते तो भी ख़तरनाक थे, मगर उसके साथ जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग था जिसको देखना पड़ा, जिसको फौरी जिसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा, और वो यही था कि एक बहुत बड़े लेवल पे स्मगलिंग का सिलसिला जो है वो जारी था, जिसकी वजह से मामला ये हो रहा था कि एक ताजर जो खड़ा होकर अपनी दुकान पर 1,000 रुपये की मिसाल के तौर पर बेच रहा है तो ये दूसरी चीज़ आ रही है और वो कह रहे हैं जी 400 रुपये मुझसे ले लो। तो जब इतना बड़ा गैप आ रहा था, इधर चोर दरवाजे से चीज़ें आ रही थी जबकि इधर टैक्सेशन हो रही थी, तो एक आम आदमी जिसको वैसी महंगाई ने घेरा हुआ है वो सस्ती चीज़ की तरफ रागिब हो रहा था, मगर उसके साथ जो सबसे बड़ा नुकसान था वो ये था कि उसको कौमी ख़जाने को बकायदा तौर पर नुकसान पहुँच रहा था। अब जब ये सूरत हाल होंगी तो जिस तरह माहरीन बात करते दिखाई दे रहे हैं कि क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, मगर ब्रेक का टाइम हो गया है, अभी हम जाते हैं ब्रेक पर और फिर हाजिर होते हैं।